खम्मा घणी मारवाड़ी कलेक्शन में आप सबका स्वागत है। जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं तो हम सबको सबसे मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि हम हमारा चूड़ा जो है वो कैसे सेट करें या फिर उसकी मैचिंग के साथ हम कौन सी बैंगल्स लगाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ही चूड़े को किस तरह से अलग अलग तरह से सेट कर सकते हैं। ये वीडियो उन बाइसा के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो न्यूली वेड बाइसा है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे मेरे पास ये चूड़ा है, ये नॉर्मल चूड़ा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ढाल का चूड़ा है उसको आप कैसे सेट कर सकते हो। तो ये देखिए चूड़ा एकदम मिक्सअप हो रखा है। तो आप इस चूड़े को कैसे सेट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको जो बड़ी बैंगल्स हैं उनको पीछे की तरफ से देखना है। ये देखिए ये एकदम बराबर आ रही है। तो इस तरह से आप उन बैंगल्स के सेक्शन बनाते जाइए, अलग अलग उन्हें करते जाइए। उसके बाद में आपको दिख सकता है कि कौन सी बैंगल्स जो बड़ी बड़ी हैं उनको आप इस तरह से सेट कर सकती हैं। अंदर से दोनों एकदम से इस तरह से बराबर हैं। ये देखिए अगर ये छोटा होगा तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये छोटा बड़ा है। तो इसके साथ का मुझे लेना है। जब कंटिन्यू जब ढाल का जुड़ा पहनते हैं तो आपको अपने आप ही पता लगने लग जाता है कि कौन सा बैंगल है, फिर आप इजीली उन्हें जल्दी से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम बराबर है और फिर इनको अलग अलग ऐसे सेक्शन बनाते जाइए, दोनों के अलग अलग पार्ट करते जाइए। ये बड़ा है तो पहले ये आएगा, और ये लास्ट का। इस तरह से आपका ये ढाल का चूड़ा दोनों सेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चूड़ी थोड़ी बड़ी आ गई पहले, तो इसको इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो पूरा एकदम ढाल का चूड़ा तैयार हो गया। अब इसके साथ आपको कौन सी चूड़ी मैचिंग की लगानी है, तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से लगा रखा था, ये मैंने इसको इस तरह से लगा रखा था, लेकिन आप चाहें तो इसको अलग तरह से भी लगा सकते हैं। अब आप इसको कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, आप इस कड़े को निकाल सकते हैं और इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप कड़ा आगे लगा लीजिए या फिर हटा दीजिए, इस तरह भी बहुत अच्छा लगेगा। आप मैंने मेहरून कलर की चूड़ियाँ लगा रखी है, आप चाहें तो इसमें रेड कलर की लगा सकती हैं, येलो कलर की लगा सकती हैं, लेकिन जब ढाल का चूड़ा होता है सफ़ेद रंग का तो उसके साथ लाल रंग की बहुत अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लगा सकती हैं। आप इसको पीछे भी लगा सकती हैं। या आप दो चूड़ी आगे लगा सकती हैं, दो चूड़ी पीछे लगा सकती हैं। या इन चूड़ों के अंदर ये चूड़ियां भी आप सेट कर सकती हैं। इस तरह से आप अपने चूड़े को अलग अलग तरह से सेट कर सकते हैं और उन्हें पहन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपकी ड्रेस के कलर का मैचिंग का एक चूड़ा लेना है, बैंगल्स लेनी है, इस तरह के कड़े लेने हैं। चाहे तो आप अलग अलग तरह के भी ले सकते हैं, येलो, पिंक, ग्रीन, आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्मली ये चार अलग हैं। बस इन चूड़ों के साथ में भी आप अपना पूरा सेट तैयार कर सकते हैं, अलग अलग तरह से इन चूड़ों को पहन सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप भी अगर ऐसा ही कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।